हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई झाड़ू की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई झाड़ू की कहानी। सोना की सौतेली माँ जमुना बहुत ही लालची और मकार थी। वो सोना को लोगों के घरों में झाड़ू पोछा और झूठे बर्तन साफ करने के लिए भेजा करती थी। जब सोना को उसकी तनख्वाह मिलती थी तो उसकी सौतेली माँ उसे सारे पैसे छीनकर अपने पास रख लेती थी। दूसरी तरफ जमुना अपनी बेटी गीता के लिए बाजार से सुंदर सुंदर कपड़े खरीद कर लाती थी। फिर कुछ महीने बाद गीता के पहने हुए कपड़े पुराने होकर फट जाते थे तो वो उन्हें सोना को पहनने के लिए दे देती थी। बेचारी सोना इसे अपने भाग्य का लिखा मानकर सब कुछ चुपचाप सह लेती थी। फिर एक दिन, माँ मैं भी गीता की तरह कॉलेज जाकर पढ़ाई करना चाहती हूँ, आप मेरी भी एडमिशन कॉलेज में करवा दीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, तेरी माँ मरने से पहले ढेर सारा खजाना छोड़ गई थी ना। देख सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत कर, बड़ी आई कॉलेज जाने वाली। सोना को करी कोटी सुनाकर जमुना वहां से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, माँ आज अपने जन्मदिन की पार्टी में मैंने बहुत सारे दोस्तों को बुलाया है। बेटी तू फिकर मत कर, मैं सारी तैयारी करके रखूंगी। ए सोना मेरी बात ध्यान से सुन, शाम को मेरी सभी दोस्तों के लिए बढ़िया खाना बनाकर तैयार रखना और उन सभी के सामने एक नौकरानी की तरह पेश आना। अगर तूने कुछ भी गड़बड़ की तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। फिर शाम को गीता की सभी दोस्त उसके घर पर पार्टी मनाने पहुंच जाती हैं। सोना गीता की सभी दोस्तों की खातिरदारी में लग जाती है। लेकिन तभी अचानक सोना के हाथ से जूस का गिलास गीता की सहेली की ड्रेस पर गिर जाता है और उसका सारा ड्रेस खराब हो जाता है। अरे तू अंधी हो गई है क्या, दिखाई नहीं देता? मेरी सहेली की इतनी सुंदर ड्रेस खराब कर दी, चल निकल जा यहाँ से वरना मैं तेरी चोटी पकड़कर आग लगा दूंगी। गीता की ये बदसुलूकी देख वहाँ खड़े रणवीर नाम के लड़के को बहुत बुरा लगता है और उसे सोना पर बहुत तरस आता है। फिर अगले दिन जब सोना काम पर जा रही थी कि तभी रास्ते में उसे रणवीर रोक लेता है। कल मैं तुम्हारे घर पार्टी में आया था, उस घर में तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, आखिर तुम ये सब बर्दाश्त कैसे करती हो? सब किस्मत की बात है, मैं मजबूर हूँ। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा, मैं शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में तुम्हारा दाखिला करवा दूंगा, उसके बाद तुम अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सकती हो। इस एहसान के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन शहर तो बहुत दूर है, तुम मेरी सौतेली माँ को नहीं जानते, अगर उसे इस बारे में पता चल गया तो वो मुझे मार मार के घर से बाहर निकाल देगी। तुम उसकी चिंता मत करो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। इतना कहकर रणबीर अपनी जेब से छड़ी निकालकर हवा में 3 बार घुमाता है। उसके ऐसा करते ही वहाँ एक जादुई झाड़ू प्रकट हो जाती है। ये एक जादुई झाड़ू है, तुम इस पर बैठकर कुछ ही सेकंड में शहर पहुंच जाओगी और जब तुम्हारा कॉलेज खत्म हो जाएगा तो ये जादुई झाड़ू तुम्हें वापस घर ले आएगा। ये देख सोना बहुत खुश होती है। लेकिन तुमने ये सब कैसे किया? मेरे पिताजी एक बहुत बड़े जादूगर हैं, उन्होंने मुझे बचपन से ही जादू सिखाना शुरू कर दिया था। फिर अगले दिन से सोना उस जादुई झाड़ू पर बैठकर कॉलेज जाने लगती है। अपनी इस नई जिंदगी से सोना बहुत खुश थी। लेकिन फिर एक दिन जब सोना जादुई झाड़ू पर बैठकर खिड़की से घर के अंदर दाखिल हो रही थी कि तभी उसकी सौतेली बहन गीता उसे देख लेती है और उसी वक्त अपनी माँ को आवाज देकर वहाँ बुला लेती है।
माँ ये सोना की बच्ची हमें बेवकूफ बना रही थी। ये रोज इस जादुई झाड़ू पर बैठकर कॉलेज पढ़ने जाती है, पता नहीं इसे ये झाड़ू कहाँ से मिली। तू फिक्र मत कर, मैं अभी इस जादुई झाड़ू को चूल्हे में जलाकर राख कर दूंगी। लेकिन तभी वो जादुई झाड़ू दोनों माँ बेटी की पिटाई करना शुरू कर देती है। अरे नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। माँ लगता है तुमने इस झाड़ू को नाराज कर दिया है, जल्दी से इसे माफी मांग लो वरना ये हमें नहीं छोड़ेगी। उसके बाद दोनों माँ बेटी जादुई झाड़ू से माफी मांगने लगती हैं। आज के बाद अगर तुम दोनों ने सोना को किसी प्रकार की भी तकलीफ दी तो मैं तुम दोनों की खाल उधेड़ दूंगी। उस दिन के बाद से जमुना और गीता पूरी तरह सुधर जाते हैं और सोना के साथ प्यार से रहने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों जादुई झाड़ू की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे परेशान नहीं करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।